भारतीय टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर बात की। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग के साथ काम करने को लेकर रहाणे ने कहा कि वह हमेशा से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को काफी मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं जब बड़ा हो रहा था तो राहुल द्रविड़ सचिन मेरे आदर्श हुआ करते थे, लेकिन मैंने हमेशा पॉन्टिंग सर को काफी माना है। मैं उनकी बल्लेबाजी और फील्डिंग की नकल करने की कोशिश करता था, इसलिए मैं उनके मार्गदर्शन में खेलने को तैयार हूँ। While we are talking about Australia, there's a question coming from Akhil. Akhil is asking, what are your expectations from Ricky Ponting for this IPL? I think I'm really excited, Akhil. Ricky ke under mein khelna, bahut kuch suna hai unke bare mein. Aur maine Ricky ko bhi bachpan mein jab cricket khelte the, mere idol definitely Sachin Tendulkar aur Rahul Dravid hai. लेकिन मैं काफी रिकी को भी कॉपी करता था, उनकी बैटिंग स्टाइल, उनकी फील्डिंग स्टाइल। सो आईपीएल में जब हम खेले हैं दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स, जब रिकी कोच थे, तो दो तीन बार मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। मैंने हमेशा से उनको उनसे फील्डिंग के बारे में बात करी है कि कैसे उनका अप्रोच होता था फील्डिंग के बारे में। इतने सारे डायरेक्ट हिट्स उन्होंने लिए है, इतने सारे रनआउट उन्होंने लिए है, तो रिकी के अंडर खेलना मैं काफी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। डेफिनेटली एज अ बैट्समैन मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ उनसे, एज अ लीडर बहुत कुछ सीख सकता हूँ उनसे। ओवरऑल क्रिकेटिंग स्टफ जो उन्होंने अपने करियर में किया है, आई एम श्योर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक हैव यू स्पोकन टू एनीवन लाइक शिखर हो या ईशांत या अश्विन, किसी से आपने not Ashwin because he has also just joined the team, but Shikhar, Ishant, jinse aapki kuch baat hui hai about the atmosphere in the team and Ricky's coaching style? Yes, I think kafi 3-4 baar baat hui hai ki kaise atmosphere hota hai team mein, about Ricky also, ki Ricky as a coach kaise hai, Ricky as a person kaise hai, aur unhone ek hi baat mujhe kahi hai ki team ka atmosphere matlab it's like a family, और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं। रिकी के बारे में भी सेम चीज़ उन्होंने कहा कि प्लेयर को बहुत बैक करते हैं। आई थिंक जिस तरीके से हैंडल करते हैं पूरी टीम को एज एन इंडिविजुअल प्लेयर को भी, वो काफ़ी कुछ सीखने जैसा है उनसे, और जैसे मोटिवेट करते हैं प्लेयर को बहुत कुछ सीखने जैसा। तो यस, काफ़ी ओकेजन पर बात हुई है ईशांत के साथ, शिखर के साथ, श्रेयस के साथ भी, कैसा माहौल है, कैसे होता है टीम में। So anything you, I mean you played with him in IPL as a teammate, yeah. Then under him as a coach, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है with राहुल द्रविड़? I think one word में मुझे कहना होगा तो मैजिकल। उनके साथ मुझे पता है, मुझे याद है एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम अगेंस्ट खेले थे दुलीप ट्रॉफी में, जो चेन्नई में मैच था, वेस्ट जोन वर्सेस साउथ जोन फाइनल हो रहा था, और राहुल भाई खेलने आए थे, और उस वक्त मैच के बाद उन्होंने मुझे बुलाया ड्रेसिंग रूम में और बताया कि अब जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आई नो इट्स नॉट इजी फॉर यू, आप रन बना के भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन आप जैसे करते हुए आ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बिल्कुल उसके ऊपर फोकस करना और बैक करना खुद को, चीजें अपने आप टर्न अराउंड हो जाएंगी। तो आई थिंक उनको उस वक्त मेरे परफॉर्मेंसेस नोटिस करना और मुझे बुला के ये सब बात करना, मुझे मोटिवेट करना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एज अ डोमेस्टिक प्लेयर आपको पता होता है कि कोई भी इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर आके और आपके रोल मॉडल आके आपको बुलाते हैं और बात करते हैं, विच इज समथिंग स्पेशल। और उसके बाद हम इंडियन टीम में ऑब्वियसली एक साथ खेले, राजस्थान रॉयल्स में एक साथ खेले, बहुत कुछ ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत कुछ सीखा हूं मैं। एक ही चीज बताना बहुत ये आई थिंक मुश्किल होगा क्योंकि राहुल भाई से बहुत कुछ सीखा हूं मैं, बट एक इंसिडेंट मुझे याद है। चैंपियंस लीग के वक्त ब्रेक के बाद हम मिले थे और राहुल भाई और मैं साथ में हम डिनर कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। सो आप जब राहुल द्रविड़ के साथ सामने बैठते और राहुल द्रविड़ आपसे कहते हैं कि मेरी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, मतलब उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आपको लगता है यार राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर, जैसा बंदा, इतने फ्रैंकली और कैसे, मतलब उनकी बैटिंग खराब होना नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं यार, मेरा इतना टच नहीं है, इतनी बैटिंग नहीं हुई है, तू राजस्थान रॉयल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तू अपनी बैटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एंड
वहां से रैना रियलाइज की नहीं, एक्चुअली वो कितना बैक करते हैं, कितना विश्वास है उनको मेरे ऊपर, और हर तरीके से, मतलब मुझे ही नहीं काफी सारे यंगस्टर्स को उन्होंने बैक किया है, बट अगेन प्लेइंग विथ हिम, प्लेइंग अंडर हिम और एज अ प्लेयर एंड देन एज अ मेंटर, लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम.